नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि सीजीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन आ चुका है और साथ ही सीजीपीएससी की विभिन्न परीक्षाएं भी क्या है समय पर आयोजित की जाएंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए 9 वर्षों की निरंतर सफलता के साथ उड़ान आईएएस एकेडमी इस बार पुनः आप सभी के लिए सीजीपीएससी प्री के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आयोजित कर रहा है, जिसमें आप सभी को 4 स्तर में यह टेस्ट सीरीज प्राप्त होगा। भाग 1 आधारभूत स्तर, भाग 2 उच्च स्तर, भाग 3 संपूर्ण स्तर और भाग 4 मेगा स्तर होगा। इसमें कुल 51 टेस्ट होंगे, जिसमें आपको 5100 प्रश्न प्राप्त होंगे। इन सभी 5100 प्रश्न का आपको उत्तर वीडियो एनालिसिस के माध्यम से दिया जाएगा और ये जो टेस्ट सीरीज है वो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और साथ ही उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर सकते हैं। विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए उड़ान समसामयिकी बनाया है, जो कि सीजीपीएससी और व्यापम दोनों के परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग हर साल 10% क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके समसामयिक की घटनाओं पर आधारित होते हैं, जिसमें आप सभी को यह बुक अत्यंत उपयोगी साबित होगी। और साथ ही हमने छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा संयुक्त परीक्षा हेतु एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक भी लाया है। ये दोनों बुक आप सभी को शीघ्र ही आपके नजदीकी बुक शॉप में उपलब्ध होंगी। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ी लोक गीत संग्रह, ठीक है, छत्तीसगढ़ी लोकगीत संग्रह नेवता किसकी कृति है, किसकी रचना है, ठीक, मतलब ये जो नेवता नाम का छत्तीसगढ़ में लोकगीत का संग्रह किया उसे किसने लिखा है। छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग कलेक्शन नेवता इज हुज क्रिएशन। पहला ऑप्शन है स्वर्गीय चमन सरजे राव सिंधे, दूसरा ऑप्शन है सुश्री ममता सिंधे, तीसरा ऑप्शन है देवेश मिश्रा, चौथा ऑप्शन है श्री यशवंत सिंधे। दोस्तों, जो सही उत्तर है इसका वह है स्वर्गीय चमन सरजे राव सिंधे, ठीक है। कल ही तारीख 30 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वर्गीय चमन सरजे राव सिंधे जी के द्वारा कृत छत्तीसगढ़ी लोक गीत संग्रह का क्या किया, विमोचन किया। इस समय इनकी सुपुत्री जी ने बताया कि इनके पिता चमन सरजे राव सिंधे द्वारा विभिन्न विषयों पर छत्तीसगढ़ी भाषा में रचित मनमोहक गीतों का इसमें संकलन किया गया है। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as chairman of नवा रायपुर अटल टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप सभी को विदित है दोस्तों कि हमारे 11वें क्रम के जो मुख्य सचिव जी थे श्री आरपी मंडल, वह हाल ही में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब इन्हें एक नई नियुक्ति दी गई, वह है नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, श्री आरपी मंडल भी वर्तमान में किस पद को धारण करेंगे, अटल नगर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद को वो धारण करेंगे। जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार है, छत्तीसगढ़ी फर्स्ट फीमेल नॉवेलिस्ट। पिछली कड़ी में आपको बताया था कि 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के दिन 11 विभूतियों को क्या किया गया, सम्मानित किया गया है, किस हेतु, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार प्रसार और उसके विकास हेतु। इनमें से जो एक है वो है कौन, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार। तो दोस्तों, जैसा आप सोच रहे हैं कि इसका उत्तर निरूपा शर्मा जी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका उत्तर जो है वो है सरला शर्मा जी, ठीक है, जो हमारी पहली महिला उपन्यासकार है वो कौन है, सरला शर्मा जी है, ना कि निरूपा शर्मा जी। निरूपा शर्मा जी क्या है, हमारी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला वो साहित्यकार है, ना कि उपन्यासकार। तो याद रखिएगा, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक। अभी 11 विभूतियों को जो यहाँ पर सम्मानित किया गया था उसमें से एक सरला शर्मा जी भी। अगला प्रश्न हमारा है समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु कितने केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है। मैंने बोला था पिछली कड़ी में कि इस पर अपडेट आते रहेगा और ये अपडेट अब पूरा हो चुका है। 1 दिसंबर 2020 से धान खरीदी क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है और आज के तारीख से अब क्या होगा, पूरा फाइनल अपडेट आ चुका है। तो इसका जो सही उत्तर होगा अब वो है 2305, मतलब वर्तमान में धान खरीदी है तो कितने केंद्र बनाए गए हैं, 2305 केंद्र बनाए गए हैं। इतने सारे केंद्रों में क्या होगा, धान खरीदी होगा।
पिछले साल कितने केंद्रों में हुआ था? पिछला जो धान खरीदी हुआ था उसमें 2047 केंद्रों में क्या हुआ था, धान खरीदी किया गया था। इस बार जो किया जा रहा है वो है 2305 खरीदी हेतु केंद्र बनाए गए। हमारा जो अगला प्रश्न वो भी इसी पर है, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु इस वर्ष कितने नए केंद्र बनाए गए हैं, बताया था इस पर भी एक अपडेट आएगा। ठीक, शुरू में हमने देखा था कि 103 का अपडेट आया, फिर आया 260 का अपडेट, इसमें क्या लिखा था लगभग, अब इसका एग्जैक्ट डाटा आ चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाउ मेनी न्यू सेंटर्स हैव बीन बिल्ट दिस ईयर टू परचेस पैडी एट सपोर्ट प्राइस। ठीक, इसका जो उत्तर होगा वो है 257। ठीक, 257 नए धान खरीदी केंद्र इस वर्ष क्या बनाए गए हैं, नए बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 257। अगला क्वेश्चन है, पिछले दो वर्षों में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? What is the increase in number of farmers selling paddy on support price in last two year? ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहा है कि पिछले दो वर्षों में, ठीक, दो वर्षों में कितने किसान यहाँ पास क्या है, बढ़ चुके हैं, किसमें, धान बेचने की संख्या में। तो पिछले दो वर्षों में हमारे पास थे 12,06,000 किसान। ठीक है, ये पहले दो वर्ष के पहले का डाटा है, और जो हमारा वर्तमान में उस समय था, जो पिछले वर्ष क्या था, वो था 18,38,000। ठीक, तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 6,32,000। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 6,32,000 क्या है, नए किसानों ने क्या था, धान बेचा था, इसमें वृद्धि हो गई थी। इसमें ये भी याद रखिएगा कि ये जो डाटा है वो 2019-20 के लिए है, इतने किसानों ने 2019-20 में क्या किया था, धान बेचा था। ठीक, तो वृद्धि कितनी हुई दो वर्षों में, 2017-18 से लेकर 2019-20 में, वो है 6,32,000 की क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। कल की कड़ी में हमने आपको बताया था कि समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले कुल किसान कितने पंजीकृत हैं, ठीक, वो हो जाएंगे 21,00,000, ये कल की कड़ी में था, 29,764। ठीक, अभी बेचे कितना लोगों ने है वो नहीं, ये केवल पंजीकृत हैं, पंजीकृत कितने हो चुके हैं, 21,29,764 पंजीकृत हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी डाटा याद रखिएगा। ठीक, इसे तो आप याद रखिएगा कि 6,32,000 क्या है, नए किसानों ने धान बेचा है दो वर्षों में, ठीक, 2017-18 से लेकर 2019-20 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, बीते 2019-20 वर्ष में समर्थन मूल्य पर कितने प्रतिशत किसानों ने धान बेचा है? इन द लास्ट ईयर 2019-20 हाउ मेनी परसेंटेज फार्मर्स हैव सोल्ड पैडी एट द सपोर्ट प्राइस। ठीक, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने किसानों ने, कितने प्रतिशत किसानों ने अपना क्या है, धान बेचा, मतलब 100 पंजीकृत हैं और 95 ने बेचा, तो कितना हो जाएगा, 95% क्या हो जाएगा यहाँ पास, किसानों ने धान बेचा है। ठीक, तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, 93.20, 94.02, 92.61, 93.61। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 2019 और 20 में जो प्रतिशत थी किसानों की धान बेचने की वो कितनी है, 94.02% है। ठीक, इससे पहले की बात करेंगे, मतलब 2018-19 की बात करें तो इस समय थी हमारे पास 92.61%, और उससे भी पहले की बात करें 2017-18 का, तो वो था हमारे पास 76.47%। ठीक है, तो देख रहे होंगे कि आप बहुत ज्यादा क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुआ है। ठीक, किसमें, धान बेचने वाले किसानों की संख्या में इजाफा हुआ है पिछले दो वर्षों में। नव नियुक्त मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी का किस जिले से संबंध रहा है? द न्यूली अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी मिस्टर अमिताभ जैन हैज बीन एसोसिएटेड विथ विच डिस्ट्रिक्ट। पहला ऑप्शन है कांकेर, दूसरा ऑप्शन है कबीरधाम, तीसरा ऑप्शन है बालोद, और चौथा ऑप्शन है बेमेतरा। जो इसका सही उत्तर है वो क्या है, बालोद। ठीक है, श्री अमिताभ जैन जी क्या थे, बालोद से, ठीक, उन्होंने क्या है, स्कूली शिक्षा प्राप्त की है, और वो जब 11वीं बोर्ड हुआ करता था उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश, मतलब उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा करता था, तो उस समय वो क्या थे, 11th में टॉपर भी रहे हैं। तो याद रखिएगा ये उनके स्कूली शिक्षा से संबंध क्या है, नगर है वो क्या है, बालोद। जो हमारा आज का नवा प्रश्न है वो है, नवीन गठित जिला
गोरेला पेंड्रा मरवाही में तहसीलों की संख्या है, ठीक है, एक एक करके सभी नए नए जिले जो बने हैं और जो नए तहसील गठित हुए हैं उन्हें इस कड़ी में जोड़ा जा रहा है, श्रृंखला की अगली कड़ी में भी जोड़ा जाएगा, ठीक, जिससे आपको क्या रहे ये याद रहे। तो इस बार जो गोरेला पेंड्रा मरवाही है उसमें तहसीलों की संख्या कितनी है, 3 है। इस जिले में टोटल 3 तहसील है, कौन कौन से, मरवाही, पेंड्रा रोड, पेंड्रा, ठीक है। तो ये 3 तहसील है यहाँ गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो आपके लिए एक ब्रेन बूस्टर रहेगा, ठीक, मतलब आप इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी अर्थात कौन, मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, नियुक्त होते हैं, इलेक्ट नहीं होते मतलब निर्वाचित नहीं होते, ठीक, चयनित नहीं होते मतलब सेलेक्ट नहीं होते, नॉमिनेट मतलब मनोनीत नहीं होते, ये क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। स्टेट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय, मतलब इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, गवर्नर, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी क्या करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें और उत्तर कहां करें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये रहा दोस्तों समसामयिकी प्रश्नों की श्रृंखला के आज के कड़ी का आंसर की। आशा करता हूं कि आप सभी को यह प्रश्न पसंद आए होंगे, पसंद आने पर इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस श्रृंखला का लाभ अधिक से अधिक स्टूडेंट उठा पाए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कड़ी में, धन्यवाद।